नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, आप देखेंगे तो फिबोनाची के 61.8% के लेवल को ब्रेक किया है, सस्टेन किया और एक बम्पर तेजी देखने को मिली। लेकिन आज आप देखेंगे तो मार्केट में एक हैवी प्रेशर की वजह से स्टॉक ने भी 10% के आसपास की गिरावट देता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा रिवार्ड बनाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर देख रहे होंगे, 4 दिसंबर को बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है। उसके बाद से आप देखेंगे तो एक जबरदस्त तेजी के बाद से स्टॉक बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। आज की ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे जो गैप अप था उस गैप को फेल करता हुआ दिखाई दिया। आप लोग चार्ट के ऊपर देख पा रहे होंगे, एरो का मार्क हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक का चुनाव किए हैं उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। तो दोस्तों, काफी बेहतरीन स्टॉक है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आईएफएल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री अवकाश ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं और शॉर्ट वीडियोज लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बम्पर तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम राइट्स लिमिटेड के टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे भी लेके चलेंगे, सारी चीजों को एक एक करके बारीकियों से देखेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट के स्क्रीन शॉट देखे होंगे, तो दोस्तों ये सब पेशेंस का गेम है। जिसने भी शेयर बाजार में पेशेंस दिखाया है दोस्तों, उसने पैसा बनाया है। तो दोस्तों, कभी भी थोड़ी सी ये पैनिक माहौल आए तो यहाँ पे डरने का नहीं होता है। अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन होना चाहिए, ब्रेकआउट स्टॉक का सिलेक्शन होना चाहिए, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में पैसा बनता है। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी की स्थापना 1974 में हुई थी। कंपनी का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है तथा भारत के परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी है, जिसकी विविध सेवाएं और भौगोलिक पहुंच है तथा कंपनी विदेशों में रोलिंग स्टॉक उपलब्ध कराने वाली भारतीय रेलवे की एकमात्र निर्यात शाखा है। सेवाओं की बात करें तो कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक कार्य भारत और विदेशों में रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रोपवे, शहरी परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग में सलाहकार, इंजीनियर और परियोजना प्रबंधक का कार्य है। राजस्व की बात करें, परामर्श सेवाओं से 68% का, लीजिंग से 6% का, टर्नकी प्रोजेक्ट से 10% का, निर्यात बिक्री से 15% का तथा बिजली उत्पादन से 1% का राजस्व अर्जित होता है। भौगोलिक विभाजन की बात करें तो कंपनी ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व क्षेत्र में 55 से अधिक देशों में अपनी परियोजनाएं शुरू की हैं। ग्राहक की बात करें तो IIM रोहतक, JNU दिल्ली विश्वविद्यालय, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स, BPCL, सेल, NTPC, SCCL, कानपुर, स्वर्ण रेखा पोर्ट, टाटा स्टील, L&T, JMR, दिल्ली बिल्डिकॉम सहित मुख्य ग्राहक हैं। नए ऑर्डर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली छमाही में लगभग 50 परियोजनाएं हासिल की हैं। कंपनी ने कर्जे को निरंतर कम किया हुआ है। स्टॉक 3.63% की अच्छी लाभांश उपज प्रदान कर रहा है। कंपनी 80.8% का अच्छा लाभांश भुगतान बना करके रख रहा है। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिले हैं, लेकिन मार्च 2023 में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं मार्च 2021 की सेल्स की बात करूं जो 1905 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में देखेंगे बढ़कर के 2662 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए और मार्च 2023 में देखेंगे तो 2628 करोड़ का सेल्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे खर्चे को नजर डालें तो मार्च 2021 में जो खर्चा 1353 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में देखेंगे 1933 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए और मार्च 2023 में 1869 करोड़ का यहाँ पे खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नजर डालें तो मार्च 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 552 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में देखेंगे बढ़कर के 729 करोड़ के दिखाई दिए और मार्च 2023 में देखेंगे तो 759 करोड़ का जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले इसके सपोर्ट और असिस्टेंट को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट असिस्टेंट की बात करूं, 671.45 का है।
सेकंड असिस्टेंट की बात करें 713.90 का है, थर्ड असिस्टेंट की बात करें 770.40 का है। अब एक नजर सपोर्ट के ऊपर डालेंगे, अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 572.50 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करें 516.00 का है, थर्ड सपोर्ट की बात करें 473.55 का देखने को मिल रहा है। अब एक नजर सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डालेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे दोस्तों जो 50 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहां पे बेरिश देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 5 डेज 10 डेज 20 डेज 100 डेज एंड 200 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहां पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं, तो एक अच्छा साइन यहां पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं 15,085 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 31.00 का है, डिविडेंड यील्ड 3.27% का है, बुक वैल्यू 107.43 का है, फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 5.84 का है, आरओसी की बात करें 27.40% का है, आरओई की बात करें 19.93% का है। बेहतरीन फंडामेंटल यहां पे राइट्स लिमिटेड के देखने को मिल रहे हैं। अब एक नजर कंपनी के इन्वेस्टमेंट रिटर्न को ऊपर डालेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वन वीक में 7.86 का रिटर्न, एक महीनों की बात करें तो 11%, तीन महीनों में लगभग 21%, छह महीनों की बात करें तो 16%, नौ महीनों में 61%, बीते एक सालों में 61%, दो सालों की बात करें तो 114%, तीन सालों में 119%, चार सालों में देखेंगे तो 78%, बीते पांच सालों में 187% का जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब एक नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऊपर डालेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे दोस्तों, अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूं 72.20% की होल्डिंग प्रमोटर की है, बेहतरीन होल्डिंग। डीआईआई की बात करें 12.28% की होल्डिंग, एफआईआई की बात करें 31.21% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 12.31% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों 11 सितंबर को स्टॉक 584 रुपए का हाई लगाता हुआ दिखाई देता है, और आप देखेंगे तो 26 अक्टूबर को 432.30 रुपए का लो लगाता हुआ दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ के हाई के बाद से स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, काफी दिनों तक काफी हफ्तों तक स्टॉक कंसोलिडेशन में रहा। आप देखेंगे जैसे ही आप यहां पे देख सकते हैं 61.8% के लेवल पे यहां पे कंसोलिडेट होता है दो से चार दिनों तक, उसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो ब्रेक करता है, फिर अगली कैंडल आप यहां पे देखेंगे तो लगभग 18-20% की तेजी यहां पे राइट्स लिमिटेड देता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आज पैनिक माहौल होने की वजह से आप देखेंगे तो स्टॉक वापिस 10% गिरता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों एक बेहतरीन मौका है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, अगर इसके अंदर हम बाइंग करते हैं तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा रिवार्ड बनता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लेवल्स को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आपको वीकली चार्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक आपको 560 से 565 की रेंज मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 500 रुपए का। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों 60-65 रुपए का 60-65 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल रहा है, और जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे पहला टारगेट 650, 675, 700 के टारगेट आने वाले 1 से 3 महीनों के अंदर राइट्स लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको वीकली चार्ट दिखाते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों हमने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट प्रस्तुत कर दिया है, किस तरह से एक बेहतरीन स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ है। दोस्तों ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो एक जबरदस्त आने वाले दिनों में पैसा बनाया जा सकता है, तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, काफी टेक्निकल काफी बुलिश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।